يوم كيومك يا أبا عبد الله حسين. आज मेरे जिगर के टुकड़े तू देख कर तो रो रहा है, लेकिन तेरे जिस्म के टुकड़े देख कर कोई करीब नहीं आने दिया जाएगा। ए हुसैन, मेरे आखिरी वक्त में आप मौजूद हो, बहनें मौजूद हैं, मुझे दफन करेंगे, और जब दफन के लिए इमाम ने वसीयत की थी अगर हो सके रोज़ाए रसूल के अंदर दफन किया जाए, लेकिन अगर न दफन करने दें तो कोई मुज़ाहमत न करना। सैयदुश्शुहदा जब भाई का जनाजा लेकर रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ जा रहे हैं, रोका गया। इमाम ने इसरार किया तो इमाम के जनाजे पे तीरों की बारिश कर दी गई। इमाम ने वसीयत के मुताबिक जनाजे को मोड़ा, रुख मोड़ा बकी की तरफ। जब जनाजा उतारा जाकर जनाब ज़ैनब उलिया इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के ताबूत से तीर निकाल रही थी और रो भी रही थी, मैं कहूँगा बीबी इमाम बड़े भाई के ताबूत से तीर निकालने का मौका तो मिल गया। वो बड़ी शहादत थी दर्दनाक, लेकिन बीबी तले ज़ैनबिया पे खड़े होकर देखती रही, बहिया पे पुश्त गर्दन से खंजर चलता रहा और हुसैन का जिस्म अतहर तीरों से भर गया, लेकिन बीबी को मौका नहीं मिला कि कोई तीर आकर बहिया के जिस्म से निकाल सकती। ये वो दर्दनाक शब है अजीजान, ये अज़ा की शब है अजीज़ान, यही अज़ा की शब है, इमाम हुसैन की अज़ा की शब है, इमाम मुश्तबा की अज़ा की शब है, और सैयदुश्शुहदा और इमाम मुश्तबा के जद्द आला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुर रसूल की शब वफ़ा, और आज अज़ा की शब है, और जनाब ज़हरा के लिए अज़ा की शब आज की शब है।